नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पेनल कोड के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स देखेंगे जो वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो किसी भी जुडिशियल सर्विसेज, चाहे वो किसी स्टेट जहाँ इंडियन पेनल कोड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस में है, वहाँ ये जरूर काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी है, उसका पहला क्वेश्चन है द IPC सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेचर हैज पावर टू मेक लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग IPC अंडर एंट्री नंबर दैट इज 1। द CRPC इज एन एडजेक्टिव लॉ वाइल IPC इज ए सबस्टेंटिव लॉ। द प्रीएम्बल ऑफ द IPC इज टू प्रोवाइड ए जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया। नेक्स्ट है द IPC वॉज इनेक्टेड ऑन, आंसर इज 6 अक्टूबर 1860। क्वेश्चन नंबर वन लाइनर नंबर 5, टोटल सेक्शन ऑफ IPC आर 511, टोटल चैप्टर्स इन IPC आर 23। द इंडियन पिनल कोड एक्सटेंड टू द होल इंडिया, पहले ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड था सेक्शन 1 में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हटा दिया गया है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर आर्टिकल, आंसर इज आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशंस, इसका पहला है विच सेक्शन ऑफ द IPC प्रोवाइड दैट थ्रू आउट द कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पिनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पिनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस, आंसर इज सेक्शन 6। द टर्म्स जज हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 19 ऑफ IPC। नेक्स्ट, ये मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट द अक्यूज्ड फॉर ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट ए जज, ये इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 19 में दे रखा है। ये म्यूनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट, ये सेक्शन 21 ऑफ IPC के अनुसार है। मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है सेक्शन 22 में, एंड इट डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू बी इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ एंड परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। अगला चैप्टर है पनिशमेंट का, उसका पहला क्वेश्चन है, पहला वन लाइनर है ओरिजिनली देयर वर 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट अंडर IPC, नाउ देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। एक जो पनिशमेंट हटाया गया वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, वो पनिशमेंट हटाया गया है। अगला ट्रू और फॉल्स है, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विद द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेंटेंस मे बी कमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ये सेक्शन 54 में दे रखा है, यहाँ ऑफेंडर का स्पेलिंग मिस्टेक है। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स, ये दे रखा है सेक्शन 57 में। When the offense is punishable with fine only, the nature of imprisonment which the court impose in default of payment of fine shall be simple imprisonment, और ये दे रखा है सेक्शन 67 में। नेक्स्ट है मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट टू बी 3 months, ये सेक्शन 73 में दे रखा है। अगला चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का, उसका पहला वन लाइनर है ये अ सोल्जर फायर्स ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ये हैज कमिटेड, आंसर इज नो ऑफेंस, ये इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 76 है, 76 कहता है मिस्टेक्स ऑफ पैक्ट की बात। अगला ये एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड, ये हैज कमिटेड नो ऑफेंस एज पर इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 76। अगला है ये इज एट वर्क विथ ए हैचेट द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाय,
Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offence, and he has protection under Section 80. Next, nothing is an offence which is done by a child, that is called dolly in capex, under the age of 7 years. For the defence of intoxication to escape criminal liability, the intoxication एडमिनिस्ट्रेट अगेंस्ट हिज विल और नॉलेज, ये दे रखा है सेक्शन 85 में. अगला चैप्टर है एबेटमेंट का, जो 107 सेक्शन 107 से शुरू होकर 1019 तक है. तो इसका क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट हैज बीन डेल्ट विथ अंडर चैप्टर 5. ट्रू और फॉल्स, द एबेटमेंट ऑफ द इलीगल ऑमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस प्रोवाइडेड द एबेटर मस्ट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू द एक्ट. ये तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर किसी कोई ड्यूटी बाउंड है कुछ काम करने के लिए, उसे इलीगली ऑमिट करने के लिए एबेट किया जाए, तो जरूरी नहीं कि जो पर्सन एबेट कर रहा है वो भी ड्यूटी बाउंड हो वो काम करने के लिए. अगला है ट्रू और फॉल्स ही है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट एक्ट एबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज. ये फॉल्स है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एबेटमेंट की वजह से जो पर्सन एबेट किया गया है, जिस पर्सन को एबेट किया गया है, वो ऑफेंस कमिट ही करे. नेक्स्ट है, ये इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेड टू डू सो, हेयर ए इज गिल्टी ऑफ एबेटिंग बी टू कमिट मर्डर. ये इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 108 है, और ये जस्ट पहले वाले का एक्सप्लेनेशन. ये इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप्स डी, डी रिकवर्स फ्रॉम द वुंड, हेयर ए इज गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर. ये इलस्ट्रेशन टू सेक्शन 108 है. तो डिजायर्ड एक्ट हैज बीन अचीव्ड और नॉट, डिजायर्ड रिजल्ट हैज बीन अचीव्ड और नॉट, उससे ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है. व्हेन एन एक्ट इज एबेटेड एंड ए डिफरेंट एक्ट इज डन, द एबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली एबेटेड इट. ये सेक्शन 111 है. अगला चैप्टर है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, इसमें ये चैप्टर 5A का है और सेक्शन 120A एंड 120B है इसमें. तो पहला वन लाइनर, चैप्टर 5A ऑफ आईपीसी डील्स विद द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. चैप्टर 5A रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी वाज नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द आईपीसी एंड वाज इंसर्टेड इन द ईयर 1913. नेक्स्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 120A और ये पनिशेबल है अंडर सेक्शन 120B. नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू और कॉज टू बी डन फर्स्ट एन इलीगल एक्ट और सेकंड एन एक्ट व्हिच इज नॉट इलीगल बाय लीगल मींस, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज पर सेक्शन 120A. ट्रू और फॉल्स देखिए, नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टी टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयर ऑफ. दिस इज ट्रू, मीन्स सिर्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करने का जो एग्रीमेंट है वो मेयर एग्रीमेंट पनिशेबल है, बाकी सिविल रॉन्ग वगैरह के लिए मेयर एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं है. नेक्स्ट, वाइल पनिशिंग समवन फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इट इज मटेरियल और रिलेवेंट एज टू वेदर द इलीगल एक्ट दैट वॉज एग्रीड अपॉन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट of such agreement or is merely incidental to that object. This is false as per explanation to section 120A. Next है, criminal conspiracy is principal under section 120B. अब आते देखिए, offences against the state, waging war against the government of India or attempts to wage such war or abet the waging of such war is principal offence under section 121 of IPC. Next, whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. This is provided under section 121. Next, ye joins an insurrection against the government of India. Ye has committed the offence defined under section 121. Next, conspiracy to commit offence punishable by section 121 is a punishable offence under section 121A. Next, true or false.
वाइल अट्रैक्टिंग पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ऑमिशन शैल टेक प्लेस इन परसुएंस देयर ऑफ दिस इज ट्रू एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 121A. अगला देखिए ट्रू और फॉल्स है. ये स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वार हु इज परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन हिज पैरोल विद इन सर्टन लिमिट्स इन इंडिया इज सेड टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी इफ ही गोज बियॉन्ड द लिमिट्स विद इन विच ही इज अलाउड टू बी एट लार्ज. दिस इज ट्रू एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 130. तो ये इंडियन पेनल कोड का वन लाइनर का पार्ट वन है. जो रेस्ट बच जाता है वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को इस पे जो वीडियोस हैं उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले. थैंक यू वेरी मच.